गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन एमिनो के रासायनिक गुण में हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया और टिल्डन अभिकर्मक से क्रिया और फोसजीन से क्रिया ये कर चुके थे। आज अपन एमीन की अगली अभिक्रिया करेंगे, नाइट्रस अम्ल HNO2 से क्रिया। तो नाइट्रस अम्ल HNO2 से तीनों एमीन है वो अलग अलग उत्पाद देती है, तो इस अभिक्रिया द्वारा अपन एमीनों में विभेद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन प्राथमिक एमीन की क्रिया करवाते हैं नाइट्रस अम्ल से। तो प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एक तो बनाता है अल्कोहल, नाइट्रोजन और जल। तो देखिए, प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से किस प्रकार क्रिया करता है। प्राथमिक एमीन के रूप में ले ली एथिलेमीन, एथिलेमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवा दी HNO2। अब नाइट्रस अम्ल HNO2 को इस प्रकार लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड O इधर OH, HNO2 है ये। अब देखिए, NH2 के दो हाइड्रोजन और इसका डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, इधर से निकल जाएगा जल। एमीन की कार्बन श्रृंखला इसके OH के साथ, ये बन गया अल्कोहल और बीच में एमीन का नाइट्रोजन और नाइट्रस अम्ल का नाइट्रोजन ये बना लेंगे N2। तो इधर से CH3CH2OH ये बन गया अल्कोहल एथेनॉल प्लस बीच में N2 और इधर से जल। तो इस प्रकार प्राथमिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके अल्कोहल का निर्माण करती है। अब अपन द्वितीयक एमीन की क्रिया करवाएंगे नाइट्रस अम्ल से।
अब देखिए द्वितीयक एमीन जो है वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके पीला तेलीय नाइट्रोसो यौगिक बनाती है जो जल में अविलय होता है। अब देखिए नाइट्रोसो कहते हैं एन डबल बॉन्ड ओ को। देखो NO2 को कहा जाता है नाइट्रो और NO को कहा जाता है नाइट्रोसो, ठीक है। तो देखिए ये ले लिया द्वितीयक एमीन, और ये क्रिया करा दी नाइट्रस अम्ल HNO2 से। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं OH एंड डबल बॉन्ड O। अब देखिए यहां से यहां बंद है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच, इस बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से अधिक होती है, तो OH पे आ जाएगा माइनस और नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब यहां देखिए द्वितीयक एमीन में क्रियात्मक समूह है NH, यहां बंद है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे आ जाएगा माइनस और ये हाइड्रोजन चला जाएगा H प्लस के रूप में। तो द्वितीयक एमीन ने दिया H प्लस और नाइट्रस अम्ल ने दिया OH माइनस, OH माइनस H प्लस, ये निकल जाएगा H2O जल। अब देखो नाइट्रस अम्ल का OH माइनस चला गया, यहां बच गया NO नाइट्रोसो जिस पे क्या है पॉजिटिव और द्वितीयक एमीन पे क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वाला नाइट्रोजन है वो जुड़ जाएगा पॉजिटिव वाले नाइट्रोजन से। तो देखिए CH3 ठीक है, और ये N माइनस जुड़ जाएगा N प्लस से। ठीक है, तो इस प्रकार एमीन है वो जुड़ गया किससे नाइट्रोसो से। तो ये एमीन नाइट्रोसो यौगिक, एमीन है वो नाइट्रोसो से जुड़ गया, तो ये एमीन नाइट्रोसो यौगिक प्राप्त हो गया जो पीला तेलीय होता है, और ये तेलीय होता है मतलब ये जल में अविलय। तो इस प्रकार द्वितीयक एमीन है वो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एमीन नाइट्रोसो यौगिक बनाती है जो पीला तेलीय जल में अविलय होता है। अब देखिए तृतीयक एमीन की क्रिया करवाएंगे नाइट्रस अम्ल से, तो जो तृतीयक एमीन है वो नाइट्रस अम्ल के साथ विलयशील
नाइट्राइट लवण का निर्माण करती है। तृतीयक एमीन जो है वो नाइट्रस अम्ल के साथ बनाएगी विलयशील नाइट्राइट लवण। तो देखिए किस प्रकार से ये तृतीयक एमीन आप देखो तृतीयक एमीन का क्रियात्मक समूह होता है N, इस पे तृतीयक एमीन के क्रियात्मक समूह पे हाइड्रोजन क्या होता है एब्सेंट होता है, तो यहां जल का अणु तो निकल नहीं रहा था। प्राथमिक एमीन ने नाइट्रस अम्ल के साथ जल का अणु दिया था, द्वितीयक एमीन ने भी नाइट्रस अम्ल के साथ जल का अणु दिया था। क्यों? क्योंकि दोनों के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होते हैं, है ना। अब यहां पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, यहां पे देखिए क्रिया किस प्रकार होगी। अपन को पता है एमीन के नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर, ठीक है, तो ये तो काम करेगा क्षार की तरह, और ये है नाइट्रस अम्ल, ये अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो अम्ल और क्षार से क्या बनता है, लवण बनता है। तो देखिए यहां H प्लस NO2 माइनस, ठीक है, तो ये एमीन है वो क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाएगा, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, नाइट्रस अम्ल के H प्लस को, और ये H प्लस जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से, तो CH3 कितने, तीन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ गया तो NH, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, और इधर बचा NO2 माइनस, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो NO2 माइनस है वो इस प्रकार से है O N डबल बॉन्ड O। अब O N डबल बॉन्ड O को कहते हैं नाइट्राइट। तो देखिए CH3 कितने, तीन, तो ट्राई मेथिल नाइट्रोजन पे प्लस अमोनियम और NO2 नाइट्राइट के रूप में है तो नाइट्राइट। तो यहां पे ये लवण प्राप्त होता है ट्राई मेथिल अमोनियम नाइट्राइट, तो ये एक विलयशील नाइट्राइट लवण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपने देखा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन तीनों नाइट्रस अम्ल के साथ अलग अलग प्रकार से क्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाती है, इसलिए नाइट्रस अम्ल से क्रिया द्वारा अपन तीनों एमीनों में विभेद कर सकते हैं। अब एमीनों के रासायनिक गुणों में लास्ट अभिक्रिया है एमीनों की, एमीनों का ऑक्सीकरण। एमीनों का ऑक्सीकरण, तो देखिए एमीनों का ऑक्सीकरण है वो दो प्रकार का है। पहला KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण,
पहला जो ऑक्सीकरण है वो किसके द्वारा है, KMnO4 के द्वारा। अब यहां पे देखिए KMnO4 के द्वारा जो ऑक्सीकरण है इसमें एमिनो से प्राप्त होती है क्या, इमीन। एमिनो से क्या प्राप्त होती है, इमीन प्राप्त होती है, और उस इमीन को अपन बदल सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। तो यहां KMnO4 से ऑक्सीकरण करवाएंगे तो एमीन बदलेगा किसमें, इमीन में, और उस इमीन को अपन बदल सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। तो देखिए ये ले लिए अपन ने प्राथमिक एमीन, ठीक है, CH3CH2NH2। एथिल एमीन, यहां ऑक्सीकारक होगा KMnO4, तो ये ऑक्सीकारक की हो गई ऑक्सीजन। अब देखिए एक तो NH2 वाला हाइड्रोजन और एक NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक का ऑक्सीजन, इस प्रकार से ये निकल जाएगा जल, ठीक है। तो एमीन के दो हाइड्रोजन, एक तो NH2 वाला हाइड्रोजन और एक NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइड्रोजन, ये चले जाएंगे ऑक्सीकारक के ऑक्सीजन के साथ, किसके रूप में, जल के रूप में। अब देखो एमीन से क्या बाहर चले गए, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना तो होता है अपचयन, यहां हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, ठीक है। अब यहां से हाइड्रोजन गए तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो अपन को प्राप्त होगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब CH डबल बॉन्ड NH को कहते हैं इमीन, और इस इमीन का नाम है एसीटैल्डिमीन, इस इमीन का नाम है एसीटैल्डिमीन। और अब यदि अपन इस एसीटैल्डिमीन का करवा दें जल अपघटन, इस एसीटैल्डिमीन का क्या करवा दें, जल अपघटन करवा दें, तो अपन को एल्डिहाइड प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड। तो देखिए कैसे, यहां कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, तो नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। अब जल का एच प्लस जुड़ जाएगा NH माइनस से और OH माइनस जुड़ जाएगा CH प्लस से, तो CH3CH प्लस से जुड़ गया, OH माइनस, डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में, NH माइनस और H प्लस NH2। अब यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से लेगा कौन, नाइट्रोजन। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा NH2 माइनस और कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इस कार्बन के प्लस को उदासीन करेगा OH का हाइड्रोजन, OH का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा H
प्लस के रूप में। अब ये H प्लस और इधर से गया था NH2 माइनस, H प्लस NH2 माइनस, ये बना लेंगे क्या NH3 अमोनिया। यहाँ हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और कार्बन से लगा है हाइड्रोजन, तो इस प्रकार क्या प्राप्त हो गया एल्डिहाइड। तो देखिए पहले अपन ने प्राथमिक एमीन का KNO4 से ऑक्सीकरण करवाया, इमीन प्राप्त हुई और उस इमीन का जल अपघटन करवा के अपन ने प्राप्त कर लिया क्या एसिटाल्डिहाइड और अमोनिया। ठीक है, अब देखिए यदि अपन यहां पे प्राथमिक एमीन के रूप में ले ले प्रोपेन 2 एमीन, यदि प्राथमिक एमीन के रूप में क्या ले ले प्रोपेन 2 एमीन, CH3 और CH से लगा है NH2। ठीक है, तब अपन को एल्डिहाइड की जगह प्राप्त होगा कीटोन। देखिए कैसे, पहले KNO4 से ऑक्सीकरण करवा देंगे तो वही एक तो NH2 वाला हाइड्रोजन और एक NH2 जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन चले जाएंगे ऑक्सीकारक के ऑक्सीजन के साथ किसके रूप में जल के रूप में। तो अपन को यहाँ पे ये इमीन प्राप्त होगी C डबल बॉन्ड NH, ये है एसिटिमीन, इस इमीन का नाम होगा एसिटिमीन। अब इसका जल अपघटन करा देंगे, तो जल अपघटन कराएंगे तो उसी प्रकार से अपन को यहां पे एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड की जगह प्राप्त हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन के रूप में प्रोपेन 2 एमीन ली, तो पहले इमीन प्राप्त हुई और उस इमीन का जल अपघटन कराया तो अपन को प्राप्त हो गया कीटोन यानी एसीटोन। तो ये एमीन का ऑक्सीकरण है किसके द्वारा KNO4 के द्वारा। एमीन का जो दूसरे टाइप का ऑक्सीकरण है वो है हाइड्रोजन परोक्साइड H2O2 या पर अम्ल H2SO5 द्वारा ऑक्सीकरण। अभी जो ऑक्सीकरण था वो था KNO4 के द्वारा और ये है हाइड्रोजन परोक्साइड या पर अम्ल। इस पर अम्ल को कैरो अम्ल भी कहते हैं। H2SO5 देखो पर अम्ल क्या होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो। अब H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल,
यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 5, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का पर अम्ल है जिसको कैरो अम्ल कहते हैं। अब इनके द्वारा अपन ऑक्सीकरण करवाएंगे एमीन का। तो देखिए पहले लेते हैं प्राथमिक एमीन, ये ऑक्सीकारक की ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में या तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो सकता है या पर अम्ल H2SO5। अब देखिए इस ऑक्सीकरण में क्या होगा, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीकारक की ऑक्सीजन को, ठीक है, अब यहां नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो नाइट्रोजन पे प्लस, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो नाइट्रोजन पे प्लस और ऑक्सीजन को दिए हैं तो ऑक्सीजन पे माइनस। तो इस प्रकार एमीन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर बनाती है एमीन ऑक्साइड, ठीक है, एमीन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाती है, एमीन ऑक्साइड बनाती है। अब इस एमीन ऑक्साइड में होता है पुनर्विन्यास, इस एमीन ऑक्साइड में क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। तो देखिए यहां पे पुनर्विन्यास होगा हाइड्रोजन का, किसका, हाइड्रोजन का। अब प्राथमिक एमीन का जो क्रियात्मक समूह है NH2 उस पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक हाइड्रोजन है उसका पुनर्विन्यास हो जाएगा नाइट्रोजन से किस पे, ऑक्सीजन पे, यानी हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से हटकर किस पे लग जाएगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा H+ के रूप में, नाइट्रोजन पे प्लस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नाइट्रोजन को दे देगा, तो नाइट्रोजन हो जाएगा उदासीन और ये H+ के रूप में लग जाएगा ऑक्सीजन माइनस से। तो देखिए पुनर्विन्यास के बाद क्या कंडीशन प्राप्त होगी, CH3 नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन बचा NH, नाइट्रोजन का प्लस उदासीन हो गया और ये H लग गया ऑक्सीजन से, तो ये OH ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए NH2OH इस यौगिक को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन, इस यौगिक को क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल एमीन कहा जाता है, NH2OH, ठीक है। अब देखो OH को हाइड्रोक्सी कहते हैं ना, तो OH के लिए आ गया हाइड्रोक्सिल, NH2 के लिए एमीन, इस यौगिक को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। अब इस यौगिक में देखो NH2 के एक हाइड्रोजन की जगह लगा है CH3, है ना, यानी हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या लगा है, CH3 लगा है, और ये CH3 किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से, तो ये है N मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड और पर अम्ल के द्वारा प्राथमिक एमीन का ऑक्सीकरण है, जहां आप देख सकते हो पहले प्राथमिक एमीन का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकारक के ऑक्सीजन को देकर बनाता है एमीन ऑक्साइड,
और फिर उस एमीन ऑक्साइड में हाइड्रोजन का होता है पुनर्विन्यास, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से हटकर लग जाता है ऑक्सीजन पे और प्राप्त होता है एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। अब देखिए, अब अपन ये ऑक्सीकरण करेंगे द्वितीयक एमीन के लिए। तो ये द्वितीयक एमीन हो गया डाई मेथिल एमीन, डाई मेथिल एमीन द्वितीयक एमीन हो गया ये। अब देखिए, ये जो द्वितीयक एमीन का नाइट्रोजन है अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीकारक की ऑक्सीजन को, ठीक है। वैसे ही बनेगा एमीन ऑक्साइड, क्या बन जाएगा एमीन ऑक्साइड बन जाएगा वैसे ही, और फिर इसमें होगा पुनर्विन्यास, यानी इस नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से हटकर लग जाएगा किस पे, ऑक्सीजन पे, वही पुनर्विन्यास होगा। और अपन को यहां ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अपन ने कहा था NH2OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब यहां पे देखो, एमीन के दो नाइट्रोजन की जगह है दो CH3, तो नाइट्रोजन से दो CH3 लगे हैं, तो NN दो के लिए है NN डाइमेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन। तो ये द्वितीयक एमीन का ऑक्सीकरण है हाइड्रोजन परऑक्साइड और परअम्ल के द्वारा। द्वितीयक एमीन पहले ऑक्सीजन को लोन पेयर देकर बनाएगी एमीन ऑक्साइड, और फिर वही पुनर्विन्यास होगा और यहां बनेगा एन एन डाई एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। अब देखिए, अब अपन यहां लेंगे तृतीयक एमीन। अब अपन यहां तृतीयक एमीन लेंगे ट्राई मेथिल एमीन। ठीक है, तो देखिए, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। तो उसी प्रकार बना लेगा एमीन ऑक्साइड। ठीक है, अब आप गौर कीजिए, प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन में यहां पे आगे किसका पुनर्विन्यास हो रहा था, हाइड्रोजन का। और आपको पता है तृतीयक एमीन का जो क्रियात्मक समूह होता है N, उस पे हाइड्रोजन नहीं होते। तो तृतीयक एमीन में ये अभिक्रिया आगे होगी क्या, नहीं होगी। यानी तृतीयक एमीन का जो ऑक्साइड है उसका आगे पुनर्विन्यास नहीं होता। क्यों? क्योंकि तृतीयक एमीन के नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो तृतीयक एमीन का ये ऑक्सीकरण केवल इतना ही होगा, तृतीयक एमीन ऑक्सीकारक की ऑक्सीजन के साथ बनाएगा एमीन ऑक्साइड, इसका आगे पुनर्विन्यास नहीं होगा। तो इस प्रकार तीनों एमीनों का ये ऑक्सीकरण है वो अलग अलग होता है। तो इससे भी अपन तीनों एमीनों में क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। प्राथमिक एमीन पहले बनाएगा एमीन ऑक्साइड और फिर पुनर्विन्यास द्वारा बनाएगा एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। द्वितीयक एमीन पहले बनाएगा एमीन ऑक्साइड
फिर पुनर्विन्यास द्वारा बनाता है एन एन डाई एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन, और तृतीयक एमीन के नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन एब्सेंट होता है इसलिए ये केवल बनाता है एमीन ऑक्साइड, आगे इसका पुनर्विन्यास नहीं होता। तो ये आपके एमीनों के रासायनिक गुण है वो कंप्लीट है, ठीक है, बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।